हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की बात करूंगा जो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है, पिछले एक साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे चुका है और एक 300 रुपये के लेवल को टच भी कर चुका है। लेकिन कंपनी ने लास्ट क्लोजिंग डे यानी कि 15 तारीख को स्टॉक में स्प्लिट और बोनस दिए और उसके बाद जो है स्टॉक का प्राइस आ चुका है 12 रुपये और इस स्टॉक के अंदर आज भी हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी पोटेंशियल इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सेल्स रिवेन्यू बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले थे और जिसकी वजह से स्टॉक ने एकदम से शार्प एज की तरह जो है एक रफ्तार पकड़ी और कंपनी ने जैसे ही लिक्विडिटी कम हुई स्टॉक के अंदर, क्योंकि बाइंग जोन से बाहर हो जाता है कुछ स्टॉक्स, क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग 300 रुपये का स्टॉक खरीदने की बजाय जो है 10-12 रुपये का स्टॉक परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसीलिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो जितने शेयर्स टोटल थे राधे डेवलपर्स की बात करेंगे उसके पास जितने भी जो हैं शेयर्स अवेलेबल थे तो उनको स्प्लिट करके जो है क्वांटिटी बढ़ा दी ताकि लिक्विडिटी जो है स्टॉक के अंदर बढ़ जाए और अभी जो है स्टॉक में अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ आगे की बात करेंगे वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी इस चैनल पर मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं मार्केट की बात करूं सबसे पहले तो मार्केट पॉजिटिव है, आज हमें देखने को मिल रही है यानी कि बुलिश मार्केट देखने को मिल रही है और मंडे के दिन यानी कि आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम इंडियन स्टॉक मार्केट में 1% की तेजी के साथ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात करूं तो राधे डेवलपर्स की 5% का अपर सर्किट है स्टॉक में 65 पैसे की तेजी के साथ में, स्टॉक 13 रुपये 65 पैसे पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। लास्ट क्लोजिंग 13 रुपये पे थी। 5 दिन की बात करूँ तो लगभग 13% के रिटर्न जो है स्टॉक ने दिए हैं 5 दिन के अंदर यानी कि 1.55 रुपये की तेजी के साथ। और अगर एक मंथ की बात करूँ तो 92% की गिरावट है। ये 92% की गिरावट जो है एक्चुअल नहीं है, क्योंकि स्टॉक में स्प्लिट और बोनस दिए दोनों कंपनी ने, तो 250 रुपये के आसपास जो है कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दिए लास्ट क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे के दिन। तो अब जो स्टॉक का प्राइस आ चुका था वो 12 रुपये आता और 12 रुपये से भागते भागते स्टॉक अब जो है 13 रुपये 65 पैसे तक आ चुका है। अब बात करूँ 6 महीने की तो लगभग 94% की, क्योंकि गिरावट एकदम से स्प्लिट और बोनस के बाद जो देखने को मिल रही है। ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को कि स्टॉक के अंदर जो है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी इन द सेंस कि अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो राधे डेवलपर्स को आप कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं, और लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी आप देखिए स्टॉक के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूं आज जो है Q1 के रिजल्ट की भी अपडेट होने वाली है, तो अभी कंपनी जो है Q1 के अंदर क्या कुछ लेके आती है तो उसके बाद भी जो है ग्रोथ जो है स्टॉक की डिपेंड करेगी। तो इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है स्टॉक के अंदर। अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज करके चले और एक अच्छा खासा मुनाफा अगर हो जाता है, ताकि अगर गिरावट भी हो तो नुकसान ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 12 रुपये 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा रफ्तार जो है पहले दिखा चुका है स्टॉक, और अभी लास्ट ईयर के अंदर ही जो एक अच्छी खासी रफ्तार दिखाई, और आज Q1 के रिजल्ट भी अपडेट होंगे तो क्या कुछ अपडेट आता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर कहूँगा कि आप बाइंग थोड़ी बहुत करके चल सकते हैं अगर आपको जगह मिल रही है तो, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग जोन में है स्टॉक। लेकिन ये चीज़ जरूर कहूँगा कि बाइंग प्रेशर जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। सिर्फ देखिए बाइंग प्रेशर 4,26,000 शेयर्स का, क्योंकि बहुत कम लोगों को जो है स्टॉक के बारे में पता है, लेकिन वॉल्यूम भी जो है 48,902 शेयर्स का वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है आज की डेट में। मार्केट कैप देखिए स्टॉक का तो 687 करोड़ का मार्केट कैप है, TTMP 27.30, बुक वैल्यू पर शेयर की जो है जो 11 रुपये के आसपास की है। तो अपनी बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास ही जो है स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है। EPS जो 0.50 का देखने को मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 की देखने को मिल रही है। अब RSI लेवल जो है, इसलिए कह रहा हूं मैं वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। RSI लेवल देखें आप, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, 80 पॉइंट्स के आसपास RSI लेवल इस टाइम देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, अगर फ्रेश एंट्री आज नहीं लेनी है तो इंतजार कीजिए आज Q1 के रिजल्ट्स का बाद, क्या पता कल की डेट में जो है स्टॉक में करेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जब नीचे के लेवल से बाय किया होगा, आप स्प्लिट बोनस दोनों मिल चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ लोग सेल करने की भी कोशिश करते हैं जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा तो वो सेल करेंगे, तो हो सकता है गिरावट भी हो जाए। गिरावट में सही स्टॉक्स को खरीदने का एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि RSI लेवल की भी डिमांड है कि भी स्टॉक में करेक्शन हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक है, क्योंकि तेजी ही इतनी दिखाई है स्टॉक में। और अभी जो बोनस और स्प्लिट दिए हैं तो उसके बाद हो सकता है Q1 के रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद जो है स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो अगर कम क्वांटिटी परचेज करना चाहें तो करके चल भी सकते हैं, और अगर इंतजार करना चाहें तो इंतजार कर सकते हैं Q1 के रिजल्ट्स का, उसके बाद आप जो है राधे डेवलपर्स के अंदर अपनी फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए 1 साल में 2000% और 3 साल में 3000% के रिटर्न, 3 महीने में 70%, 1 मंथ में 40% और 1 वीक में 15-16% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न जो है स्टॉक ने दिए भी हैं।
वहीं अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, आज का वॉल्यूम बहुत बढ़िया है क्योंकि स्टॉक में स्प्लिट हुआ है लास्ट क्लोजिंग के, तो आज वॉल्यूम तो आना ही था और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आने हैं, तो क्वार्टर वन के पहले जो स्टॉक में एक बड़ी अच्छी खासी तेजी, 5% की तेजी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन डिलीवरी देखें आप अगर उससे पहले की एक वीक की देखें तो उसमें से लगभग 80-90% जो है डिलीवरी उठाई भी जा रही है, तो यानी कि पोटेंशियल है स्टॉक में। क्वार्टर फोर के अंदर अच्छा खासा रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी हमें, तो क्या क्वार्टर वन के अंदर कंपनी अगर उसी चीज़ को मेंटेन करती है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो आपको स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के तो फिर जो है आपको करेक्शन स्टॉक में देखने को भी मिल सकती है। पर लेकिन ये चीज भी जरूर है कि भी ऑलरेडी एक साल जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो हो सकता है कुछ टाइम कंसोलिडेशन जोन में भी रहे, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि स्टॉक आपको दोबारा से रफ्तार पकड़ते हुए भी देखने को मिल जाए। तो इंतजार कीजिए क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा कि कंपनी ने कैसे अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए हैं और क्या एंट्री लेना, अभी अगर आज मिल रही है तो ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकता है हो पूरे दिन में, पर लेकिन अगर इंतजार कर सकते हैं तो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का इंतजार करके उसके बाद जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक में। ये बताएंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।